कहते हैं जरूरत से अधिक भोले और अधिक समझदार लोग घातक सिद्ध होते हैं। जरूरत से अधिक भोले यानी हमारे देश के लोग जो शायद सच में बहुत भोले हैं, या शायद ये कहें कि हम अब भी हर विषय पर दूसरे देशों की मान्यता चाहते हैं। तभी तो अमेरिका हमारे किसी मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है और हम उतने में ही खुश हो जाते हैं बिना ये जाने कि इसका परिणाम क्या होगा। और खुद को जरूरत से अधिक समझदार समझने वाले लोग यानी कि अमेरिका और यूरोप जो खुद को सबका कर्ता धर्ता समझते हैं, इन्हें लगता है कि दुनिया भर के सभी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण इनकी जिम्मेदारी है। अब अमेरिका और यूरोप को दुनिया की चिंता करनी ही करनी है, इसीलिए इन देशों ने यूनेस्को की नींव रख दी। मानव संस्कृति के लिहाज से ऐसी जगहें और इमारतें जिनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता है, यूनेस्को उनकी सूची बनाकर उन्हें विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है, जिसके बाद संरक्षण, रखरखाव और वैश्विक प्रचार में यूनेस्को मददगार होता है। ऐसे ही भारत का बृहदेश्वर मंदिर भी इस सूची में शामिल है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। यूनेस्को की छाप देश के किसी भी मंदिर को ना मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा भी क्या है यूनेस्को के इस टैग के बारे में जिसने बृहदेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरी यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिनमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिनमें से 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल है। एक बार कोई जगह विश्व धरोहर साबित हो जाए तो वो जगह पर्यटन का केंद्र बन जाती है। उदाहरण के लिए रामप्पा मंदिर को ले लीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो जाने के बाद वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। हमारे देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और बीचों बीच बनी विशालकाय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर वो स्थल पूजा का स्थल हो तो वो पूजा का स्थल कम और पर्यटन का केंद्र अधिक बन जाता है, जिससे उसकी पवित्रता प्रभावित होती है। कल्पना करिए कि आप एक मंदिर में हैं, वो यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर है, आपके अलावा मंदिर में सैकड़ों अन्य लोग हैं, आप पूजा कर रहे हैं और वो पिकनिक मना रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? बतौर एक धार्मिक व्यक्ति आपकी श्रद्धा बाकियों से अलग होगी। उनके लिए वो एक दीवार की भांति है जहां वो ताजमहल की तरह राहुल लव पूजा लिख सकते हैं। लेकिन संरक्षण और पूजा एक साथ बरकरार नहीं रहती। एक समान रूप से महत्वपूर्ण उदाहरण तंजावुर में 11वीं शताब्दी का भव्य बृहदेश्वर मंदिर भी है, जो राज्य में चोल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे एक दर्शक ने बृहदेश्वर मंदिर का अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें बृहदेश्वर मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि मैं इसके लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन मंदिर के द्वार पर जाते ही मुझे एक झटका लगा। मैंने देखा कि हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रवेश की अनुमति थी। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें गलत क्या है, मंदिर तो सभी के लिए है। तो इसका उत्तर उनके आगे के अनुभव में था। उन्होंने देखा कि क्योंकि वहाँ उन लोगों को भी प्रवेश की अनुमति है जो मूर्ति पूजक नहीं है व जो भगवान शिव में आस्था नहीं रखते हैं, तो मंदिर का प्रांगण किसी पब्लिक पार्क की भांति लग रहा था, जहाँ लोग अपने प्रेमियों के साथ हाथ पकड़कर घूम रहे थे। कुछ लोग वहाँ म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे तो कुछ घास पर लौट रहे थे। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे यहाँ लगा था कि मुसलमान यहाँ क्यों आएंगे, वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ये दृश्य देखकर मुझे अचंभा महसूस हुआ। हमने इस विषय पर थोड़ी जांच की तो हमें पता चला कि यूनेस्को की वजह से मंदिर के आसपास की स्थिति है कि वहाँ से 500 मीटर दूर आपको मुर्गा, मछली और बकरा खाने को मिल सकता है। प्रत्यक्ष दर्शियों की माने तो कई बार यहाँ बुरके में कुछ महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ घूमती हुई नजर आती हैं। ये भी सुनने को मिलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर में घूमते हैं। ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। आप इन चीजों पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि यूनेस्को ने उसे पर्यटन स्थल में ही परिवर्तित कर दिया है। पूर्व अधीक्षण पुरातत्ववादी टी सत्यमूर्ति कहते हैं, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और कांचीपुरम में वैकुंठा पेरुमल मंदिर और कांची कैलासनाथ मंदिर 1920 के दशक में एलएसआई के संरक्षण में आए थे और पूजा और धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। लेकिन एएसआई के सर्वेक्षणकर्ता यह भूल गए कि हर मंदिर के साथ यह पवित्रता बरकरार रखना संभव नहीं है। आज स्थिति ये है कि अपने पूर्ण स्वतंत्र न होने की वजह से मंदिर की पवित्रता पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ सनातनियों का ही है।
बृहदेश्वर मंदिर की अपनी एक धार्मिक महत्ता है। भगवान शिव की आराधना का यह केंद्र रह चुका यह मंदिर अब सिर्फ एक टैग का खामियाजा भुगत रहा है।